जय हिंद। हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हरियाणा HTET एडमिट कार्ड 2023 के बारे में, जो कि आपका ऑफिशियली जारी कर दिया गया है। ये एडमिट कार्ड आपको कैसे डाउनलोड करना है, इसका प्रोसेस आपको बताया जाएगा। अगर आप अपना पासवर्ड भूल चुके हैं, आप उसको रिकवर करना चाहते तो कैसे करेंगे, ये आपको बताया जाएगा। एंड अगर आप यहाँ पर फिर भी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप मेरे द्वारा भी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करा सकते हैं। उसके लिए आपको कैसे कहां पर अपनी जानकारी सेंड करनी है, ये आपको इस वीडियो के लास्ट में बताया जाएगा। पहले आप ये जान लीजिए कि कैसे आपको खुद से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है और क्या डॉक्यूमेंट आपको एग्जाम सेंटर पर लेकर के जाने हैं। अब चलिए शुरू करते हैं गाइज। अभी जो वीडियो में देख सकते हैं, हमारी ऑफिशियल साइट जॉब्स ज्ञान रूटीन है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे, आपके सामने इस फॉर्म की जानकारी आ जाएगी। ये सभी जानकारी चेक करते हुए आप ये भी जानेंगे कि इसमें जो आपकी एग्जाम डेट है वो 2 से 3 दिसंबर 2023 रखी गई है। तो इस सभी जानकारी चेक करने के बाद आप यहां पर इंपोर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में आइएगा और स्टेट एडमिट कार्ड 2023 डाउनलोड लिंक ओपन कीजिएगा। ये ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहां पर आने के बाद में आपको लॉगिन का एक लिंक देखने को मिल रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहां पर आपको लॉगिन करना है, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और जो आपने पासवर्ड बनाया था या फिर जो आपको पासवर्ड मिला था वो आप यहां पर डालेंगे एंड देन लॉगिन कर लेंगे। के नंबर और पासवर्ड के माध्यम से आपका यहां पर लॉगिन होगा। अगर आप अपना पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप फॉरगॉट पासवर्ड के ऊपर क्लिक कीजिए, यहां पर अपना वो नंबर डालिए जो कि आपने रजिस्टर किया था, फिर सेंड पासवर्ड टू मोबाइल इसके ऊपर क्लिक कीजिए, आपके नंबर पर आपका पासवर्ड सेंड कर दिया जाएगा एंड फिर आपको इसका इस्तेमाल करके यहां पर लॉगिन कर लेना है। अब गाइज, जो आपको आगे की जानकारी दी जाएगी ये आपको मेरी ही पिछले साल की वीडियो जो कि मैंने स्टेट एडमिट कार्ड 2022 को लेकर के बनाई थी उससे दी जाएगी। वो इसलिए क्योंकि मैंने इसमें अप्लाई नहीं किया था और ना ही मेरे पास अभी तक किसी ऐसे कैंडिडेट की इंफॉर्मेशन है जिसने कि अप्लाई किया हो एचटेट 2023 के लिए। इसलिए आपको प्रीवियस वीडियो से एजुकेशनल पर्पज के रूप में जानकारी दी जाएगी ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊं कि आगे का प्रोसेस क्या रहेगा। तो बेसिकली जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे, तो लॉगिन करने के बाद में आपको यहाँ पर आपका डैशबोर्ड देखने को मिलेगा, जिसमें आपको लेफ्ट साइड में एक एडमिट कार्ड की टैब देखने को मिलेगी या फिर कहीं पर भी आप आपकी विंडो में आपके डैशबोर्ड में एडमिट कार्ड की टैब देखेंगे, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपका एडमिट कार्ड आपके सामने इस तरह से आ जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जहाँ पर आपको जानने को मिलेगा कि आपने कौन से लेवल के लिए अप्लाई किया था और आपकी बाकी की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई होगी। तो ये सभी इन्फॉर्मेशन आप चेक करेंगे एंड यहाँ पर ये जो आपका 2022 का एडमिट कार्ड है इसके अकॉर्डिंग बोला गया था, प्लीज अफिक्स पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटोग्राफ ड्यूली अटेस्टेड बाय गजेटेड ऑफिसर एज अपलोडेड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। यानी कि आपने जो फोटो रजिस्ट्रेशन के वक्त में अपलोड किया था, सेम फोटो आप यहां पर चिपकाएंगे पासपोर्ट साइज का, जो कि गजेटेड ऑफिसर के द्वारा अटेस्ट होना चाहिए। अगर इस बार भी आपको आपके एडमिट कार्ड के अंदर ये जानकारी दी गई है तो वो आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपको कोई कंफ्यूजन है इसमें, वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। इसके अलावा गाइस, यहां पर आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, आपको यहां पर एडमिट कार्ड लेकर के जाना है, आपको कलर में प्रिंट करा करके इसको लेकर के जाना है एंड यहां पर बोला है कि एडमिट कार्ड शुड बी प्रिंटेड इन कलर्ड ओनली ब्लैक एंड व्हाइट। आपको यहां पर स्पेसिफिकली कहा है कि अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट में लेकर के जाएंगे तो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, इसलिए आपको कलर में आपका एडमिट कार्ड प्रिंट करा करके जाना है। और जो भी आपको यहां पर एग्जाम की टाइमिंग दी गई है उससे भी आपको आधे घंटे पहले आपके एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाना है। इसके अलावा गाइस, यहां पर एक गवर्नमेंट द्वारा जारी आईडी आप लेकर के जाइएगा, जिसमें कि आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी आईडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट ध्यान दीजिएगा, जो आईडी का इस्तेमाल आप कर रहे हैं उसके अंदर आपका नाम वही होना चाहिए जो कि आपने फॉर्म के अंदर भरा हो। फिर यहां पर आपको ये भी कहा कि ये कैंडिडेट ऑफ कलर्ड कॉपी एडमिट कार्ड will have to be submitted at the examination center with the same colored photograph as uploaded at the time of registration duly attested by gazetted officer। यानी कि आपकी एक एडमिट कार्ड की कॉपी आपके एग्जाम सेंटर पर भी सबमिट की जाएगी, इसलिए आपको यहाँ पर गाइज दो कॉपी लेकर के जानी है। बेसिकली आपके एडमिट कार्ड के अंदर ही आपको सेंटर कॉपी देखने को मिल जाएगी। तो गाइज इस तरह से आप इसको लेकर के जाइएगा एंड गाइज यहाँ पर अगर आप इसको डाउनलोड नहीं कर पा रहे किसी भी रीजन से और आप मेरे द्वारा डाउनलोड कराना चाहते तो आप कैसे कराएंगे, उसके लिए गाइज जो लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ये आप ओपन कीजिएगा। इसमें आपको यहां पर कमेंट में कोई भी जानकारी नहीं देनी है, क्योंकि अगर आप यहां पर जानकारी देते हैं तो वो पब्लिक हो जाती है और फिर उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। इसलिए आपको सबसे लास्ट में आना है और यहां पर नीचे की तरफ लेफ्ट साइड में, राइट साइड में आप कॉन्टैक्ट अस के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर आपका नाम देना है, आपकी ईमेल आईडी देनी है, आपका फोन नंबर देना है जो कि आपका व्हाट्सएप का होना चाहिए, क्योंकि यहीं पर आपको आपके एडमिट कार्ड का पीडीएफ सेंड किया जाएगा। मैसेज में यहां पर आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर
नंबर और जो आपका पासवर्ड है वो लिखेंगे, और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण लाइन आप यहाँ पर लिखेंगे HTAT एडमिट कार्ड 2023 लिखना उतना ही अनिवार्य है जितना कि आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और पासवर्ड। वो इसलिए क्योंकि मेरे पास और भी काफ़ी सारे एग्जाम के एडमिट कार्ड आंसर की रिजल्ट चेक करने की इन्फॉर्मेशन आती रहती है, तो अगर आपने डिपार्टमेंट नेम नहीं लिखा तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि किस चीज़ की जानकारी है और मुझे इसका क्या करना है। इसलिए गाइज आप यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर और आपका पासवर्ड के साथ में एचटेट एडमिट कार्ड 2023 लिखिएगा एंड देन सबमिट कर दीजिएगा। इसके बाद ये जानकारी मेरे पास आएगी और मेरे से जितनों का भी हो पाएगा वो एडमिट कार्ड डाउनलोड करके आपको दिया जाएगा, एंड उसके लिए आपसे कोई भी किसी भी तरह का चार्ज नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल फ्री सेवा आपके लिए रहने वाली है। एंड ये इसलिए ताकि जो आपने इतने टाइम से मेहनत की है वो आपकी वेस्ट ना जाए और आप समय से अपना एग्जाम दे पाए। एंड जो कैंडिडेट अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर चुके हैं उन सभी को ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।